नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 28 अप्रैल 2021 का संपूर्ण राशिफल। उससे पहले आज के दिन का जो दैनिक पंचांग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो दिन है वो बुधवार का है। सूर्योदय प्रातः 6:14 का है और जो सूर्यास्त है वह शाम 6:59 का है। ऋतु ग्रीष्म का चल रहा है। तिथि कृष्ण पक्ष की द्वितीया है। नक्षत्र विशाखा है। योग व्यतिपात है और करण तैतिल है। आज के दिन जो चंद्रमा है, चंद्रमा तुला राशि में भ्रमण करेगा और दोपहर 11:57 के बाद यह चंद्रमा वृश्चिक राशि में भ्रमण करेगा। अमृत घटी प्रातः 2:14 से लेकर 3:50 तक की है। इसे शुभ कालावधि कहा जाता है। उसी प्रकार दिन का जो अभिजीत मुहूर्त है वो है दोपहर 12:12 से लेकर 1 बजे तक। राहु काल, इसे अशुभ कालावधि कहा जाता है, वो है दोपहर 12:34 से लेकर 2:09 तक। विष घटी, इसे भी अशुभ कालावधि कहा जाता है, वह है सुबह 10:14 से लेकर 11:50 तक। आज का जो शुभ अंक है वह 1 है। ग्रहयोग के बारे में अगर चर्चा करें तो चंद्र और नेपच्यून का त्रिकोण योग होने जा रहा है। उसी प्रकार चंद्र और गुरु का केंद्र योग भी होने जा रहा है। यह अगर स्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के लाभ भाव में स्थित नेपच्यून के साथ चंद्रमा नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है और दोपहर 11:57 के बाद चंद्रमा आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा और आपके लाभ भाव में स्थित गुरु के साथ चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। तो बहुत ही अच्छा दिन है आपके लिए, खास करके अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ आज आपके हारमोनी बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। उनसे आपको कुछ अच्छी सलाह वगैरह भी मिल सकती है। आपके घर के लोग होंगे उनके साथ भी आज आपकी जो हारमोनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें थोड़ा सा सेहत के ऊपर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के दशम भाव में स्थित नेपच्यून के साथ चंद्रमा नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। उसी प्रकार दोपहर 11:57 के बाद चंद्रमा आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा और आपके दशम भाव में स्थित गुरु के साथ चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। तो काफ़ी अच्छा दिन है आपके लिए, खास करके जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ से अगर किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन के अगर काम है और वो पेंडिंग है, वो नहीं पूरे हो रहे हो, तो वो आज के दिन आप हाथ में ले सकते हो और दोपहर के पहले अगर आप वो हाथ में लेते हो काम, तो वो पूरे होने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनती है। आप जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के भाग्य भाव में स्थित नेपच्यून के साथ चंद्रमा नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। दोपहर 11:57 के बाद चंद्रमा आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा और आपके भाग्य भाव में स्थित गुरु के साथ चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। तो बहुत ही अच्छा दिन है आपके लिए। अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो काफ़ी अच्छे आपको इसके रिजल्ट्स आ सकते हैं। जो भी आप अनुमान लगाओगे उसी प्रकार से आपको उसका फ़ायदा भी मिलेगा। आपके पैसे के मामले में कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपके सामने आ सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप रिलेशनशिप में जाना चाहते हो तो आज का जो दिन है बहुत ही अच्छा शुभ फलदाय होगा। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो तो उनके साथ आज आपकी हारमोनी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के अष्टम भाव में से नेपच्यून के साथ चंद्रमा नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। दोपहर 11:57 के बाद ये चंद्रमा आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा और आपके अष्टम भाव में स्थित गुरु के साथ चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। तो काफ़ी अच्छा दिन है आपके लिए। आज आप घर पर रहना पसंद करोगे या फिर घर के जो लोग हैं उनके इच्छा अनुसार कुछ काम भी आप करोगे, जिसकी वजह से आपका जो मूड होगा वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। कुछ नए इंट्यूशंस वगैरह आपको आने की संभावना काफ़ी अच्छी बनती है। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आप थोड़ा एक्टिव हो जाओगे। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आज का आपका जो दिन है बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है
और आप ही के सप्तम भाव में स्थित नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। दोपहर 11:57 के बाद ये चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा और आपके सप्तम भाव में स्थित गुरु के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। तो बहुत अच्छा दिन है, जो भी महत्वपूर्ण काम है वो आज के दिन आप कर सकते हो। आज आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाओगे, बहुत ज़्यादा बिजी हो जाओगे, जो भी काम आज आप अपने लोगे वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। अगर आप धार्मिक या फिर आध्यात्मिक मार्ग में हो तो फिर कुछ अच्छे अनुभव या फिर कुछ अच्छी बातें आपके सामने आ सकते हैं, कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह आपके सामने आ सकते हैं, साक्षात्कार जिसे हम कहते हैं उस प्रकार के भी कुछ अनुभव आज के दिन आपको हो सकते हैं। तो बहुत अच्छा दिन है, इसका पूरी तरह से लाभ लीजिए। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के षष्ठ भाव में स्थित गुरु के साथ चंद्रमा नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। दोपहर 11:54 के बाद चंद्रमा आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा और आपके षष्ठ भाव में स्थित गुरु के साथ चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। तो प्रत्यक्ष लाभ के बारे में अगर देखा जाए तो दिन बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी होगा। आपके जो मित्र परिवार होंगे उनसे आपको काफ़ी अच्छे तरीके के लाभ मिलेंगे या फिर सलाह भी मिलेंगे। कुछ नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके सामने आ सकते हैं। पैसे के मामले में जैसे शुरुआत में कहा, कुछ अच्छे लाभ भी आपको हो सकते हैं जिसके वजह से आपका जो मूड है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। इसके बाद की जो राशि है वह है तुला राशि। तुला राशि में ही चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के पंचम भाव में से नेपच्यून के साथ चंद्रमा नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। दोपहर 11:57 के बाद चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा और आपके पंचम भाव में से गुरु के साथ चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। तो बहुत ही अच्छा दिन है आपके लिए। आज के दिन के जो भी महत्वपूर्ण काम है वो दोपहर के पहले अगर आप हाथ में लेते हो तो वो काफ़ी सरलतापूर्वक पूरे होते हैं, वे नजर आएंगे। आज आपका जो मूड है वो भी काफ़ी खिला खिला नजर आएगा। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हो, वहाँ पर की जो परिस्थितियाँ हैं वो भी जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से देखी जाएगी। कुछ नए अपॉर्चुनिटी वगैरह भी आज आपको आ सकते हैं। जो तुला राशि के व्यक्ति जॉबलेस है, जिनको जॉब नहीं मिल रही या फिर जॉब चेंज करना चाहते हैं, उनके लिए भी आज का जो दिन है बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के चतुर्थ भाव में स्थित नेपच्यून के साथ चंद्रमा नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। दोपहर 11:54 के बाद चंद्रमा आप ही के राशि में भ्रमण करेगा और आप ही के चतुर्थ भाव में स्थित गुरु के साथ चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। बहुत अच्छा दिन है। हालांकि आज के दिन आपको प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिलेंगे, लेकिन मन शांति जिसे हम बोलते हैं, आध्यात्मिक अनुभव जिसे हम बोलते हैं, उस प्रकार के आध्यात्मिक अनुभव आज के दिन आपको आ सकते हैं। आज के दिन आप जो भी अनुमान लगाओगे वो सही साबित होते हुए नजर आएंगे। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आपके घर के जो लोग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तुम्हें हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा और शुभ फलदायी होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के तृतीय भाव में स्थित नेपच्यून के साथ चंद्रमा नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। दोपहर 11:57 के बाद चंद्रमा आपके वेय भाव में भ्रमण करेगा और आपके तृतीय भाव में स्थित गुरु के साथ चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। बहुत ही अच्छा दिन है आपके लिए। काफ़ी अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड लाभ जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था, उस प्रकार के लाभ आपको मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। आज के दिन आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाओगे, आपके जो मित्र परिवार हैं उनसे आज आपके गपशप वगैरह हो सकते हैं, उनसे कुछ नए आइडियाज़ आपको मिल सकते हैं। आपका जो मूड है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। जो भी महत्वपूर्ण काम है दोपहर से अगर पहले करते हो तो वो काफ़ी ईजिली पूरे होते हुए नजर आएंगे। दोपहर के जो बात का समय है उसमें थोड़ा बहुत स्ट्रेस आपको आ सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा आपके मानसिकता पर फर्क नहीं पड़ेगा। मोटे तौर पर देखा जाए तो दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा और शुभ फलदायी होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के द्वितीय भाव में स्थित नेपच्यून के साथ चंद्रमा नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। दोपहर 11:57 के बाद चंद्रमा आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा और आपके द्वितीय भाव में स्थित गुरु के साथ चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। बहुत अच्छा दिन है। रिलेशनशिप के मामले में दोपहर तक का जो समय है उसमें अगर आपका विवाह है तो वैवाहिक जो जोड़ीदार है उनके साथ आपकी हारमोनी बहुत अच्छी देखी जाएगी। उनसे दिए हुए किसी भी सलाह पर अगर आप काम करते हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा और महत्वपूर्ण साबित होगा। उसी प्रकार जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। दोपहर के बाद का जो समय है वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन प्रत्यक्ष लाभ के बारे में छोटी मोटी चिंताएँ आपके सामने आ सकती हैं, लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो दिन आपके लिए काफी अच्छा और शुभ फलदायी होगा।
इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है दोपहर 11:57 के बाद चंद्रमा आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। आपकी के राशि में स्थित नेपच्यून के साथ चंद्रमा नव पंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। आपके दशम भाव में स्थित गुरु के आपके आपकी के राशि में स्थित गुरु के साथ चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। बहुत ही अच्छा दिन है आपके लिए। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर की जो परिस्थितियाँ हैं वो जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से होगी। आपके जो भी महत्वपूर्ण काम है वो पूरे होते हुए नजर आएंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। तो जो भी महत्वपूर्ण काम है अगर दोपहर के पहले अगर आप हाथ में लेते हो तो बहुत ही अच्छी तरीके से पूरे होते हुए नजर आएंगे। दोपहर के बाद के जो समय है उसमें आप जो आपके जो भी काम है, आप जहाँ पर काम करते हो या फिर सर्विस करते हो, उसमें आप पूरी तरह से बिजी हो जाओगे। इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप के भैया भाव में से दक्षिण के साथ चंद्रमा नव पंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। दोपहर 11:54 के बाद ये चंद्रमा आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा और आपके भैया भाव में से गुरु के साथ चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। तो काफ़ी अच्छा दिन है आपके लिए। दोपहर तक का जो समय है वो काफ़ी अच्छा होगा। अनपेक्षित लाभ वगैरह मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर भी कुछ अच्छे अनुभव आपको मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो भी आपका जो आज का दिन होगा वो काफ़ी अच्छा और महत्वपूर्ण साबित होगा। दोपहर के बाद का जो समय है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। कॉन्फिडेंस लेवल आपका काफ़ी अच्छे तरीके से बना हुआ नज़र आएगा। तो दोस्तों ये था दिनांक 28 अप्रैल 2021 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।